सभी को ओम। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने मेरे अब तक के वीडियो को इतना सराहा है कि मैं उसके जितना भी प्रशंसा करूं कम ही होगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों का प्रयोग करके मैं आपकी प्रशंसा कर पाऊं। मेरे शब्द कम पड़ेंगे, आपकी प्रशंसा बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो, जो मैं बताता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करके अपने स्वास्थ्य के अनुकूल उसका लाभ उठाते हो। देखिए, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ठीक है ना। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में जो कुछ खास खास बातें हैं वो पहले मैं रख दे रहा हूँ, उसके बाद किस रोग में, खास तौर से दर्द से संबंधित जो रोग है उसमें एक्यूप्रेशर का पॉइंट बहुत ही कारगर है। दूसरे रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन पेन मैनेजमेंट में, दर्द को नियंत्रित करने में ये रामबाण अचूक उपाय है। एक्यूप्रेशर जब भी करें, भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद करें या फिर भोजन के पहले कर लें, 10 मिनट पहले कर लीजिए, 15 मिनट पहले कर लीजिए, आधा घंटा पहले कर लीजिए, है ना। एक्यूप्रेशर करने के बाद एक 10 मिनट बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। एक्यूप्रेशर जब भी प्रेशर देते हैं आप इतना ही प्रेशर दें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है। धीरे धीरे उस प्रेशर को बढ़ाना है, वहां तक बढ़ाना है जहां तक मरीज बर्दाश्त कर ले या आप स्वयं उसको बर्दाश्त कर लें। प्रेशर कम से कम 10 सेकेंड, अधिकतम 30 सेकेंड तक, एक बार में 30 सेकेंड तक देना चाहिए। ऐसे लगातार 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट आप एक पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं। 5 मिनट से अधिक नहीं देना चाहिए। अगर 5 मिनट से आपका काम नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फिर 5 मिनट के बाद एक 10 मिनट का गैप देके फिर 5 मिनट आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक्यूप्रेशर देने का 2-3 तरीका होता है। एक तो यह है कि हम अपने अंगूठे के अग्रभाग से दें, इससे ऐसे यहां पे जहां पे भी जरूरत है, या फिर इसको ऐसे मालिश करके दें, कहीं जगह पे मालिश किया जाता है, या फिर ऐसे रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करने से आपका दर्द बढ़ सकता है। सो कभी भी जब रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज ही करना चाहिए, घड़ी की दिशा में दाहिनी तरफ, है ना, ऐसे दाहिनी तरफ आप घुमाना है। एक्यूप्रेशर के लिए आप कुछ बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेथी का बीज है, जैसे उड़द या मूंग के दाने हैं, मटर के दाने हैं, या सुजोक थेरेपी में तो बहुत सारे मैग्नेट भी आते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जिमी का भी, इस टाइप की छोटी बड़ी चौकोर रोलर टाइप का बहुत सारे जिमी आते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ पॉइंट्स आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, उसमें इनका प्रयोग उतना यूजफुल नहीं है। आज जो मैं बताऊंगा एकदम सरल, पेंसिल, ये नटराज की जो पेंसिल आती है ना, उस टाइप की पेंसिल ले लीजिए, या इस टाइप का कोई पेन ले सकते हैं जिससे हम मार्क करते हैं, उस टाइप का कोई पेन सपाट हो। कुछ कुछ पेन आते हैं जो कम, एक तरफ चौड़ा होगा एक तरफ पतला होगा, वो पेन उतना यूजफुल नहीं है, है ना। इस टाइप का जब सपाट होगा तो क्या होगा, चारों तरफ जहां भी आप ऐसे ऐसे रोल करेंगे ना, बराबर उसको उसका प्रेशर आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो आज मैं जो जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को वो है सिर से संबंधित। तो सिर का जो ऊपरी भाग है, जैसे ये मेरा सिर का ऊपरी भाग है, तो ये मेरे अंगूठे का जो आप काला निशान देख रहे हैं,
ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, बिल्कुल ऊपर वाला भाग, ये है आपका सिर का ऊपर वाला भाग। तो अगर आपको यहां दर्द होता है तो यहां ऐसी कोई नुकीली चीज से, जो ज्यादा नुकीली भी ना हो, इससे आप ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से ऐसे ऐसे भी दबाया जा सकता है। ये उंगली को ऐसे साइड में फंसा लीजिए और इसको ऐसे ऐसे दबाइए, कितना, तो 30 सेकंड से लेकर के आप 1 मिनट तक दबा सकते हैं, और 1-1 मिनट 3 बार दबाएंगे तो ये 3 मिनट हो जाएगा। अगर आपके साइड में दर्द हो रहा है, यहां इस साइड में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको फिर ये साइड वाला पोर्शन, ये साइड का भाग है, और इस साइड से भी इसको दबाना है, ठीक है। इसके लिए भी आप चाहो तो इसके रोलर टाइप का भी कोई चीज ऐसे ऐसे रोल कर सकते हो, ऐसे साइड से कर सकते हैं, लेकिन उचित होगा कि अपने एक हाथ का स्ट्रेस इसको मोड़ लीजिए और इसको सीधा मारिए, तो चिमटी जैसा बन गया, और इसको ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा इसको दबाइए नाखून के बगल में। बहुत जोर से मत दबाइए, बहुत जोर से दबाएंगे आपको दर्द ज़्यादा होगा, लाभ कम मिलेगा। इसलिए जितना भी पोलाइटली दबाएंगे, दबाना है लेकिन उतना ही दबाना है जितना आप सह सको। तो जब ये साइड से दबाएंगे तो आपके साइड का दर्द कम होगा, ठीक है। अगर आपको सामने दर्द है तो आपको सामने यहां दबाना पड़ेगा, ये देखिए, ये यहां पे, ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, लाल बिंदु लगा दिया मैंने, इस जगह पे जब आप दबाते हैं तो ये माथे के सामने का दर्द कम होता है। आंखों में दर्द है या आंखों के पास दर्द है, तो ये मैंने दो आंखें बना दी, जैसे आपको इस एरिया में दबाना है, ठीक है। दांतों में दर्द है या जबड़े में दर्द है, तो उसके लिए आपको इसके नीचे वाला भाग यहां पे दबाना है, ठीक है। अब सेम यही पॉइंट आपके पैर में भी होगा, तो जैसे ये मेरा पैर का अंगूठा है, और मैंने पहले जैसा कि बताया कि सिर के ऊपर दर्द है तो ये वाला ऊपर का भाग, साइड में है तो ये साइड वाले भाग, नाखून के बगल वाले दोनों साइड में, और अगर सामने फोरहेड में दर्द है तो ये यहां पे, आंखों के पास दर्द है तो ये यहां पे, ठीक है, और मुंह के दपास दांतों का दर्द है तो यहां पे, और फिर ये जो पोर्शन है ये टॉन्सिल वगैरह का है नीचे, ठीक है। तो जैसा हाथ में दबाना है ऐसा ही पैर के अंगूठे में दबाना है, और दोनों हाथ के अंगूठे और दोनों पैर के अंगूठे, ये चारों को दबाना है। इसके साथ साथ देखिए, दर्द से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है इस उंगली से जब हम चल के ऐसे साइड से चल के जाते हैं, यहां पे जहां डेड एंड आ जाता है, इस पॉइंट को, शरीर में कहीं भी दर्द है इसको जरूर एक बार दबाइए, इस तरह से दबाना है। ये जो उंगली है, इस उंगली को देखिए, पीछे थोड़ी काली काली चमड़ी रहती है, सामने गोरी चमड़ी रहती है, और इनका जो संगम हो रहा है, जहां पे दोनों मिल रही हैं चमड़ियां, वो सीधे जाके यहां पे जहां एंड होता है वहां पे ही अंदर की तरफ दबाना है ना। इसको प्रेशर समझ लो, मैंने अगर हाथ ऐसा रख रहा हूं ऐसा, तो ये पॉइंट ऐसे दबेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे ही दूसरे हाथ में, इस हाथ में यहां, तो ये ऐसे दब जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हाथ के ये चैनल्स हैं, ये चैनल है, ये भी बहुत महत्व रखता है दर्द के लिए। तो ये सारे दर्द के चैनल होते हैं, और इसमें खास तौर से सिर दर्द में ये जो ये पॉइंट है, ये जैसे कि मैं एक मार्क कर देता हूं ये पॉइंट, और इस उंगली के पास ये पॉइंट है,
तो इन दोनों को भी, इस उंगली का जो छोटी उंगली है ना, जहां मुट्ठी बांधेंगे ये हड्डी निकल रही, इसके नीचे आइए और इसके अंदर के साइड यहां गड्ढा है, तो इस गड्ढे को दबाना है। इसमें भी ऐसे मुट्ठी बंद किया, ये हड्डी है, हड्डी के 1 इंच के करीब नीचे आइए और इस जब अंदर की तरफ आएंगे यहां गड्ढा है, तो इसको गड्ढे को दबाते ही आपको बहुत दर्द होगा। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए खाली यही दबाने से भी आपका दर्द ठीक हो सकता है। तो ये दो पॉइंट, अंगूठे का पॉइंट बता दिया, ये जो पॉइंट है ये दर्द के लिए कॉमन है, हर तरह के दर्द में काम करते हैं। इसके अलावा कई बार हमें गैस चढ़ जाती है, गैस चढ़ने की वजह से भी सिर दर्द करता है। बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं गैस चढ़ गई, गैस चढ़ गई, है ना। इसका देखिए ये बीच की उंगली है ना, बीच की उंगली को जब पहला मोड़ मोड़ेंगे और दूसरा मोड़ मोड़ेंगे तो यहाँ बॉक्स जैसा बन रहा है, इसके ठीक बीच का देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट यहां पे, या तो आप दबा लीजिए इसको अच्छे से, मसाज कीजिए, या फिर ये मेथी का दाना है और ये है एक पेपर टेप, ठीक है ना, 1 इंच का मेडिकल पेपर टेप बोलेंगे तो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। इस टाइप की कोई पेंसिल लीजिए, इस टाइप का कोई जिमी लीजिए और इससे इस पॉइंट को दबाइए। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए, इसके अलावा इंडेक्स फिंगर जो है ना, इसके नाखून का जो जड़ है, जड़ के दोनों कोने हैं यहां और यहां, इसको भी थोड़ा थोड़ा दबा लिया करिए, ये भी बहुत आपके लाभ देंगे। दूसरा मैं गैस का बता रहा था, तो ये पॉइंट है यहां पे, इस टाइप की जिमी लीजिए, पॉइंटेड जिमी लीजिए और इसको ऐसे दबा के चेक कीजिए। अगर इसको दबाने से बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर आपको दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी गैस चढ़ी हुई है, आपका सिर का जो दर्द है वो गैस की वजह से हो रहा है, गैस अटक गई है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो गैस अटक गई है ना, तो उसके लिए यहां दबाना पड़ेगा, ये देखिए है ना, और इससे दबा के ऐसे देख लीजिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो यहां पे क्या करेंगे, एक मेथी दाना रखेंगे या एक मूंग का दाना रखेंगे यहां ऐसे, और इसके ऊपर टेप लगाएंगे और हम टेप से बांध देंगे इसको, इस टाइप से बांध देंगे, ठीक है ना। बस कुछ मत कीजिए, बीच बीच में जब भी याद आ जाए इसको पकड़ के थोड़ा थोड़ा हल्के से दबा दीजिए, ऐसे हल्का हल्का दबा दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। जब दबाएंगे उस टाइम भयंकर दर्द होगा, फिर ठीक हो जाएगा। इसको 2 से 4 घंटे बंधा रहने दीजिए और उसके बाद फिर निकाल के इसको मेथी के सहित फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि मिनटों में ही एलोपैथ की दवा उतनी जल्दी काम नहीं करेगी जितनी जल्दी ये मेथी काम कर देती है। सो मेथी यहां बांधा जा सकता है, मेथी के 4 दाने यहां पे भी लगा के बांधे जा सकते हैं, 3 मेथी इधर, 3 मेथी इधर, इसको भी पेपर टेप से बांध सकते हैं। आपका दर्द कैसा है, सो इसके लिए सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि अगर यहां दर्द है तो अंगूठे का ऊपर, साइड में दर्द है तो अंगूठे का साइड, सामने दर्द है तो ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा नीचे और एकदम बीच में, ठीक है। इस हिसाब से आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। आंखों का दर्द है तो ठीक थोड़ा नीचे यहां पे आंखों का, और वैसे इस टाइप के जब पॉइंटेड जिमी से आप चेक करते हैं इसे दबा के, तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि मेरा यहां है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा कुछ तेल लगा करके, नारियल का तेल लगा करके या कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम लगा करके ना इसकी अच्छे से मालिश कर लीजिए, दोनों हाथ के अंगूठों की, दोनों पैर के अंगूठों के, तो आप देखेंगे कि आपके दर्द में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में
गर्दन के दर्द के बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर कंधे के दर्द के बताऊंगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मैसेज करके बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे आगे वाले वीडियो को जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे, मेरी वीडियो को देखिए, उन उपायों को अपने जीवन में उतारिए और जीवन भर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाजः।